टेक्निकल मैथ गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ गुरुजी। टेक्निकल मैथ गुरुजी के आज के हमारे वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ख़ास टॉपिक, और टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टडी ज्योमेट्री एंड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की स्टडी किस तरीके से करेंगे और कुछ ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जिस सीक्वेंस के अंदर हम ज्योमेट्री की स्टडी के लिए आपको कहेंगे और उस सीक्वेंस से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सब में पहले हम आसान चैप्टर से शुरू करेंगे, जैसे कि हमारे पास है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ये बहुत ही आसान चैप्टर है और कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है। तो इसके कुछ टॉपिक्स हम आपको बताते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल किस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें दो मेथड हैं सिमिलर ट्राइंगल बनाने के। सब में पहले जो है दो ट्राइंगल दिए जाते हैं। दो ट्राइंगल, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो है आप देखते हैं ए बी सी और पी क्यू आर में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो सब में पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है दोनों फिगर बनाएंगे ए बी सी और पी क्यू आर के। और इसी तरीके से इसमें दूसरे टाइप का एग्जांपल होता है, जैसे कि हम बता रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए पी क्यू, यहाँ पर पॉइंट ए कॉमन है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फिगर बनाते हैं। तो इसकी स्टडी आप करेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट यूजिंग सेंटर एंड विदाउट यूजिंग सेंटर, के टेंजेंट बनाने का मेथड सेंटर का यूज़ करके और बगैर सेंटर का यूज़ करके हम जो है टेंजेंट बना सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो एक सर्कल बनाने के लिए कहा जाता है गिवन रेडियस का, और सर्कल के सेंटर से जो है कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट लेने के लिए कहा जाता है, 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और उस आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बनाने के लिए कहा जाता है। सिर्फ इस चैप्टर के अंदर इतना ही, अगर ये तीन चार टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर ईजीली कवर हो जाएगा। तो ये टोटली जो चैप्टर है इन्हीं टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, इससे आप अपनी स्टडी की शुरुआत करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगला जो चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी किस तरीके से करेंगे। देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर टोटली बेस्ड ऑन द फार्मूलाज है। आपको पूरे फार्मूलाज याद होने चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, सेंट्रॉइड फार्मूला है, और उसके बाद स्लोप ऑफ द लाइन इफ़ एंगल थीटा इज़ गिवन एंड स्लोप ऑफ द लाइन इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स आर गिवन। ये फार्मूलाज अगर आप याद रख लेंगे तो आपको इजीली ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको फार्मूलाज याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने भी नहीं आता है, सिर्फ आप फार्मूला लिख देते हैं, उसका आपको हाफ मार्क मिल जाएगा इजीली। तो आप ये फार्मूलाज पूरे कर लीजिए, पूरे का पूरा चैप्टर आसान आपके लिए हो जाएगा। तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर एक हिडन चैप्टर है फार्मूला के बिहाइंड। तो फार्मूलाज आप याद करेंगे तो चैप्टर ईजीली आपको याद हो जाएगा, आपको आसानी से आप चैप्टर को सॉल्व कर सकेंगे। तो पहला चैप्टर हमने आपको बताया ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, दूसरे चैप्टर की जो स्टडी करेंगे वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए थर्ड चैप्टर लेते हैं, वह है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखना है। ये भी चैप्टर पूरा फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है आपको याद रखने हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखना है। जैसे कि तीन आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको आइडेंटिटीज़ याद रखना है। उसके बाद अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट समझना है, लाइन ऑफ विजन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ये तीन कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री भी ये भी टोटल चैप्टर ये फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। आपके फार्मूले जितने पक्के होंगे उतना आसानी से आप चैप्टर सॉल्व कर सकेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर। फिर उसके बाद जो है अब आ जाते हैं मेंसुरेशन की तरफ। मेंसुरेशन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स कुछ फार्मूलेज हैं, दिस चैप्टर इज़ टोटली डिपेंड ऑन फार्मूला, या फार्मूले के ऊपर जो है डिपेंड करता है। जैसे कि आपको याद रखना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम के फार्मूला याद रखना है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, स्फीयर, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फार्मूलाज आपको याद रखना है। तो आप जो है आसानी से
जो है ये फॉर्मूले याद करके पूरा का पूरा चैप्टर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी चैप्टर टोटली डिपेंड करता है फार्मूला, जैसा ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तीन चैप्टर टोटली डिपेंड है फार्मूलाज़ के ऊपर। आप फार्मूला याद कीजिए, आपको चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिमिलरिटी। जैसे कि आपको मालूम है तीन चैप्टर हैं, सिमिलरिटी है, पाइथागोरस थ्योरम है और सर्कल है। ये तीनों चैप्टर, दीज चैप्टर्स आर टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरम्स, ये थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके थ्योरम जितने पक्के होंगे आप उतने इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, तो आप अपने थ्योरम को पक्का कीजिए। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्व एग्जांपल्स, यहाँ पर देखिए एक बात हम जो है पिछले हमारे वीडियो में बताना भूल गए थे कि आपको जो है चाहे वो अलजबरा हो या ज्योमेट्री हो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप एक्सरसाइज के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और एज वेल एज सॉल्व एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे, वो क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रॉब्लम सेट में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी एक चार नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप पूरे के पूरे जो है तमाम प्रॉब्लम सेट में के कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बता रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है और टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है, ये टॉपिक आप पक्के कर लीजिए। तो इस तरीके से सिमिलरिटी की आप स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो है पाइथागोरस का जो थ्योरम है जो प्रूव करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अपोलोनियस का थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से जो है हमने आपको कुछ चैप्टर की जो है स्टडी करने के जो है मेथड बताया। तो हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट तक इसको, और इसे शेयर करके दूसरे स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।